हैप्पी नवरात्रि गाइस। तो आज मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही जा रहे हैं माता रानी के आशीर्वाद लेने। तो गुड़गांव में प्रसिद्ध मंदिर श्री माता शीतला देवी का है, तो जहाँ पे हम लोग दोनों ही मेरे हस्बैंड और मैं जा रहे हैं। तो सुबह के ऑलमोस्ट 7 बज रहे थे गाइस, और मैं मेरे हस्बैंड दोनों ही निकल गए शीतला माता विजिट करने के लिए। तो आज शीतला माता का पहला दिन जो है वो शैलपुत्री यानी कि शीतला माता का दिन होता है, और लकीली मैं और मेरे हस्बैंड इस दिन पे जा पा रहे हैं शीतला माता मंदिर। आफ्टर मैरिज मेरे और मेरे हस्बैंड की पहली साथ में कोई टेंपल विजिट है। तो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके हम लोग पहुँचे। आप देख सकते हो एंट्रेंस पे कितनी भीड़ थी गाइस, और लाइन कुछ इस तरीके से थी। आफ्टर चेकिंग हम लोग पहुँच रहे थे, तो प्रसाद मैंने ले लिया था, मेरे हस्बैंड ने जब गाड़ी पार्क की तो मैंने प्रसाद ले लिया था साथ में। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा क्यू कम था बट काफ़ी ज़्यादा था शीतला माता के लिए गाइस। बहुत ज़्यादा लोगों में मान्यता शीतला माता की है, तो हरियाणा मतलब आप मानो राजस्थान से बहुत दूर दूर से लोग आ रहे थे। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग गुड़गांव में ही रहते हैं ताकि हम शीतला माता से मिल पाए, तो बहुत अच्छी बात थी ये। तो काफ़ी भीड़ थी, जैसे कि नवरात्र का पहला दिन था तो बहुत भीड़ होनी लाजमी है। सुबह 7 बजे ही लोगों का इतना क्राउड यहाँ पे था, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बहुत लेट हो गए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था। बट अच्छा था कि मैं बस यही प्रे करती कि हम अच्छे से दर्शन कर लें। यहाँ पे एक लड़की की शायद मन्नत पूरी हुई है गाइस, तो देखो वो इस तरीके से आके माता रानी से मिल रही है। तो बहुत अच्छे दर्शन हम मुझे और मेरे हस्बैंड को हुए बहुत पास से माता रानी के। लकीली हमारा नंबर बहुत आगे आ गया था तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए यहाँ पे। तो अच्छा लगा कि नवरात्र के पहले ही दिन ही हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिल गई। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत खुश थे कि उनको आशीर्वाद मिला। संडे वाले दिन ही पड़ गया था शीतला माता का मंदिर का दर्शन होने का, तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे मन्नत का धागा था जहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने मांगी। तो आप सब भी ब्लेस